जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को इतना पे किया जाता है वो इसलिए पे किया जाता है दोस्तों, एंटोन वंस सेड अ प्लान विदाउट एक्शन इज जस्ट अ विश एंड व्हाट मैटर्स मोस्ट इज योर एफर्ट. विद दैट बीइंग सेड, आज हम बात करने वाले हैं द गैप between tech industry and what you learn through online courses. Because in the last 3 years, jab se COVID hua hai, tech, especially edtech, has boomed up significantly. Kafi log online tech courses se zyada seekhte hain as compared to in-person classroom. And in the last few months, since ChatGPT has evolved, koi student imagine bhi nahi kar sakta doing assignment without ChatGPT. How this gap has increased significantly, and agar aap aaj online courses ke through, there are so many online courses, not pointing towards a single course, par kya cheeze hain jo ye courses aapko nahi sikhate, and what you need to learn the right way. Let's talk about it in this video. तो सबसे पहले यार, द बिग प्रॉब्लम, काफ़ी स्टूडेंट्स ग्रेजुएटिंग फ्रॉम टीयर टू टीयर थ्री कॉलेजेस, स्टिल व्हेन दे गो थ्रू मास रिक्रूटिंग आर गेटिंग 20,000-30,000 रुपीज पर मंथ पैकेज, या फिर 2-3-4-5-6 lakh पर एनम. दैट्स इट. मैनी ऑफ माई फ्रेंड्स हु आर इन TCS, Infosys, जहाँ पे भी मास रिक्रूटिंग होती है, उनके अभी भी स्टार्टिंग यहाँ से ही हो रही है, विच इज़ द हार्श रियलिटी. एंड अकॉर्डिंग टू NASSCOM रिसर्च, बाय 2026 टेक इंडस्ट्री में जो जॉब्स होने वाली हैं इन इंडिया स्पेशली, इट्स गोइंग टू बी अराउंड 95 lakhs, बट सैडली ओनली 75 lakh पीपल कैन टेक दोज जॉब्स. डू यू नो व्हाई? ऐसा नहीं है कि इंडिया में इतने इंजीनियर्स प्रोड्यूस नहीं होंगे. द रियलिटी इज 80% ऑफ द इंजीनियर्स एंड ग्रेजुएट्स इन इंडिया आर अनएम्प्लॉयबल, क्योंकि उनके पास वो माइंडसेट ही नहीं होता जो जरूरी है फॉर दीज जॉब्स. एंड वो माइंडसेट डिग्री से नहीं आता. That mindset is more through the skill level, जो आपको online courses सिखा नहीं पाते. तो सबसे पहले start करते हैं two kinds of online courses you see. Number one is data structures and algorithms, and number two is tech based, especially in gaining an area of expertise, जैसे हो गया Android development, software engineering में web development, full stack development, उसके courses सबसे ज़्यादा popular है. सबसे पहले बात कर लेते हैं यार सिर्फ data structures and algorithms के बारे में. मेरा friend अरिंदर, मैं उससे बात कर रहा था. By the way, अरिंदर, आपने इतनी इंटर्नशिप्स की, तो आप ये बताना कि आपने क्या डिफरेंस देखा गैप इन टेक इंडस्ट्री एंड द टेक कोर्सेज लाइक एंड्रॉइड डेवलपमेंट, iOS, वेब डेवलपमेंट. यार देखो, सबसे पहली बात तो जो आपको एंड्रॉइड कोर्सेज में सिखाया जाता है वो एक मिनी प्रोजेक्ट होता है, और जैसे मोस्ट लोग सीखते हैं वो क्या होगा कि भाई वीडियो दिखा रहे होंगे आपको, वो लाइव प्रोजेक्ट बना रहा होगा, आप अपने एडिटर प्रोजेक्ट बना रहे हो, ठीक है? तो इससे आपको प्रोजेक्ट बनाना नहीं आता. अगर आपको सच में आता तो दूसरा खुद जाके क्लोन बनाओ. मान लो आपको कोई क्लोन सिखा रहा है बनाना, तो अगर आपने सच में सीखा है तो किसी और वेबसाइट का खुद जाके क्लोन बनाओ, जो मोस्टली बच्चे नहीं सीखते. और मेरे जितने भी सोशल सर्कल में फ्रेंड्स है यूएस में, इंडिया में, सबसे ज्यादा कॉम्प्लीमेंट्स किस कोर्स को दिया जाता है आपको पता है? दैट इज नन अदर देन पेप कोडिंग. मैंने खुद बैक ट्रैकिंग, डायनेमिक प्रोग्रामिंग वहां से सीखी है. उनके बारे में जितनी रिस्पेक्ट है इन द वर्ल्ड ऑफ टेक इंडस्ट्री, सुमित सर के बारे में, इट इज अनडिफाइनेबल. एंड वहां से काफी बच्चे सीख के मेटा, फेसबुक जाते हैं. दिस पार्ट इज नॉट स्पॉन्सर्ड, जस्ट आउट ऑफ रिस्पेक्ट आई एम सेइंग कि वो कोर्स ने मुझे, मेरे फ्रेंड सर्कल में हर एक को बहुत इंपैक्ट किया है in entering, at least clearing the interview. But in terms of performing in those jobs, chahe projects banana or to qualify with your resume, chahe aapko wahan pe jaake tech industry mein kaam karna ho, but on the contrary, agar dev ki baat kare, development mein apna resume banana ho with projects, ya fir mujhe job mein jaakar perform karna ho with my projects, kya us cheez mein data structures algorithms ne mujhe itna help kiya? Absolutely not. So that's why data structures algorithms ke bare mein mere paas to bahut zyada respect hai to all the YouTubers jo content banate hain, matlab live banate hain, या फिर सुमित सर, उनके लिए बहुत रिस्पेक्ट है, बिकॉज दिस इज इंपॉर्टेंट. इस चीज में मेरे ख्याल से कोई गैप नहीं है. जितना आपको इंटरव्यू के लिए चाहिए वो सब चीजें वो प्रोवाइड करते हैं फॉर एटलीस्ट टॉप कंपनीज इन क्लियरिंग द इंटरव्यू. बट आपको एक्शन कोर्स सीखने के बाद फिर भी लेना ही पड़ेगा, एंड यू हैव टू सॉल्व मोर प्रॉब्लम्स ऑन योर ओन एंड मॉक इंटरव्यूज, तब जाके ये कोर्स कंप्लीट होता है. नंबर टू टाइप ऑफ कोर्सेज जो आपको स्किल्स देते हैं टू पुट इन योर रेज्यूमे इन टर्म्स ऑफ प्रोजेक्ट्स, एंड्रॉयड, iOS, web development, full stack, cyber security and data science, artificial intelligence, ये courses no doubt are amazing. मुझे भी याद है यार, जब मैं Udemy पर, let's analyze one of the course. So on Udemy, I used to take this course by DevSlow, which is on Android development. अब इस course में you make many Android apps, which you think यार, which will make you proficient as an Android developer. आप full stack में भी same लगा लो कि यार, आपको website बनानी है, जैसे Amazon का clone बनाना, या फिर आपको Netflix का clone बनाना, these apps can teach you to solve one kind of problem. पर आपको मैं वो app
बनवा के आप शायद एक साइड पे आप ऐप बना रहे हो, एक साइड पे आप ट्यूटोरियल देख रहे हो पीछे, आप दोनों अगर साथ साथ भी कर रहे हो, मैं आपको अगले दिन कहूँ मेक ऐप रिलेटेड टू Etsy या फिर ऑनलाइन स्टोर Netflix देखने के बाद, Netflix जैसी ऐप देखने के बाद आप एक ऑनलाइन स्टोर बनाओ, विल यू बी एबल टू मेक इट? एब्सोल्युटली नॉट. अगर आप Amazon का क्लोन बना के Amazon बनाना सीख जाते हो, आप दो महीने तक याद रहेगा विद दैट क्लोन, दो महीने बाद Amazon तो छोड़ो, आप Amazon जैसी ऐप का भी क्लोन नहीं बना पाओगे. आप Netflix तो यार दूर की बात है, इसके अनरिलेटेड ऐप्स दूर की बात, आप रिलेटेड ऐप्स भी नहीं बना पाओगे आफ्टर टू मंथ्स, विच इज द हार्श रियलिटी. क्योंकि ये कोर्सेज पॉपकॉर्न के साथ देखने में बहुत मजा आता है, बट इम्प्लीमेंट करना समथिंग रिलेटेड और अनरिलेटेड आफ्टर टू मंथ्स बिकम वेरी वेरी डिफिकल्ट. उसके ऊपर सबसे बड़ा डिफरेंस ये है भाई कि जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को इतना पे किया जाता है वो इसलिए पे किया जाता है कि फिगर आउट मेंटालिटी, ठीक है, कि भाई मतलब जो आपको टास्क दिया जाए उसमें काफी सारी एम्बिग्विटी होगी, उसका सोल्यूशन स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होगा. मोस्ट जॉब्स में क्या होता है, इवन फाइनेंस और मतलब जो भी लगा लो उसमें स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस फॉलो होता है, पर सॉफ्टवेयर में हर टास्क का एक अलग सोल्यूशन होता है, और उस फिगर आउट मेंटालिटी के लिए ही हमको पैसे दिए जाते हैं, स्पेशली जूनियर डेव्स एंड इंटर्न्स और इन सबको, ठीक है. तो मतलब वो गैप मेन है. एंड व्हाट इज द सॉल्यूशन, व्हाट टाइप ऑफ कोर्सेज टू परस्यू? इसके लिए, इसका आंसर देने के लिए सबसे पहले आई वॉन्ट टू आंसर द क्वेश्चन, ये कोर्सेज बच्चे क्यों ले रहे हैं, वाई देर इज अ सिग्निफिकेंट बूम इन द एरिया ऑफ दिस कोर्सेज. हमने भी कोर्स लॉन्च किया था उसके बारे में बाद में, अभी कोई नहीं है टेक कोर्स मेरे पास. अभी इस टाइम स्टूडेंट्स आर इंक्रीजिंगली गेटिंग टू मोर ऑनलाइन कोर्सेज. द बिगेस्ट रीजन इज द गैप इन कॉलेज कोर्सेज एंड टेक इंडस्ट्री, क्योंकि टेक इंडस्ट्री इज इवॉल्विंग सो फास्ट, नो कोर्स इंक्लूडिंग ऑनलाइन इंक्लूडिंग कॉलेज कोर्स कैन गारंटी कि आप ये कोर्स सीख के 100% उस लैंग्वेज के बारे में, उस टास्क के बारे में सीख पाओगे. नो कोर्स कैन गारंटी. इनफैक्ट अगर आप पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी ले लो, एवरी ईयर दिस लैंग्वेज कम्स विद एन अपडेट. नो पाइथन कोर्स, नो पाइथन बुक कैन गारंटी दैट इट विल कवर एवरी सिंगल पार्ट ऑफ पाइथन. एंड विच इज द रियलिटी कि आजकल टेक इंडस्ट्री इज इवॉल्विंग सो फास्ट कि आप चाहकर खुद भी हर चीज नहीं सीख पाओगे. सो द राइट आंसर इज कि देर इज एम्बिग्विटी. यहाँ पे आपको गोल ये होना है, योर माइंड सेट इज टू बिकम अ प्रॉब्लम सॉल्वर एज कम्पेयर टू जस्ट गेन वन एरिया इन एक्सपर्टीज. जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, मैंने कई कंपनीज में काम किया है, हर कंपनी में आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिफरेंट मिल सकती हैं. मैंने इतना देखा कि बिग टेक कंपनीज में यू आर सपोज टू बी वेरी इवॉल्विंग. कई बार आपको सी शार्प के ऊपर प्रोजेक्ट दे देंगे, कई बार एंड्रॉयड, कई बार iOS, आपको हर तरह के प्रोजेक्ट, हर तरह की प्रॉब्लम्स देते रहते हैं. पर अगर मैं छोटी कंपनीज में जब काम करता था, वहाँ पर सिर्फ एक एरिया ऑफ एक्सपर्टीज होती थी. तो दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है, पर एक एरिया ऑफ एक्सपर्टीज लेने के बाद भी, इफ आई एम जस्ट अ प्रोफेशनल एंड्रॉयड डेवलपर, स्टिल आई सी सम प्रॉब्लम्स दैट आई हैव नेवर एवर सीन. माई गोल इज टू सॉल्व दैट एम्बिग्विटी, और वो आपको कोई कोर्स गारंटी नहीं कर सकता. नंबर टू प्रॉब्लम in India's college education system is attendance. काफ़ी colleges demand करते हैं आपसे कि there should be 75% attended classes, even though many courses are outdated, even though many books have gaps between them, but still they force you to take and join every single class, which should not be expected. In modern US में कई classes में attendance mandatory नहीं होती है. मैं एक class थी जहाँ पर मैंने सिर्फ midterm, final और थोड़ी बहुत classes attend की थी, दोस्तों से पूछ के पास हो गया था. बट इंडिया में वो करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आपको कई बार professors पहचान लेते हैं, तो आपकी अटेंडेंस मार्क भी हो तो भी कई बार बच्चे पीछे छूट जाते हैं when their attendance is not 75%. And number three factor which is a con in Indian education is spoon feeding. हमें जेई से आदत होती है कि हमें पूरा स्टेप्स बता दो कि यार ये प्रोसेस है एंड दिस इज द डेस्टिनेशन. बट टेक इंडस्ट्री में ऐसा नहीं होता. देर इज लॉट ऑफ एम्बिग्विटी, देर इज लॉट ऑफ क्वेश्चन दैट यू हैव टू आस्क कि यार ये प्रोजेक्ट में मैंने ये सोल्यूशन स्टार्ट किया और ये चलता नहीं है, तो आप शावर में सोने वक्त आप दूसरे सोल्यूशन सोचते जाते हो, और एक दिन आता है कि आप वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर ही पाते. सो दैट्स हाउ यू डू हिट एंड ट्रायल, यू कीप ट्राइंग, यू आर ऑलवेज मोटिवेटेड. आपको वो प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ती है कई बार, जो कभी कभी आपको स्टैक ओवरफ्लो पे या गिटहब इश्यूज पे भी नहीं दिखती. एक एक डॉक्यूमेंटेशन पढ़ के, एनालाइज करके, स्पेंडिंग वीक्स ऑन इट इन एन एम्बिग्वस प्रॉब्लम, तब जाके आप वो सॉल्व कर पाते हो. एंड दिस इज समथिंग ऑनलाइन कोर्सेज आर नॉट एबल टू, ओनली सम आर एबल टू. वो मैं आपको बाद में बताऊंगा हाउ टू एनालाइज इट, बट विच इज currently the reality. Number four harsh reality is certificate mindset. अभी भी कोरा पे, रेडिट पे आप पढ़ोगे, many Indians think about certificate कि अगर ये course certificate दे रहा है तो मैं ही लूँगा, ये नहीं दे रहा तो मैं ये नहीं pursue करूँगा. Reality is in tech
सर्टिफिकेट मैटर्स द लीस्ट, योर प्रोजेक्ट स्किल्स मैटर्स द मोस्ट. सर्टिफिकेट सिर्फ उनके लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने अभी मैकेंजी कंसल्टेंट की इंटरव्यू की थी. इन दीज टॉप कंपनीज व्हेन दे हैव कंसल्टेंट्स एंड क्लाइंट्स, तो कंपनी आपको बोलेगी ये है हमारा कंसल्टेंट, आप हो क्लाइंट. लुक एट दिस कंसल्टेंट हु इज AWS पाइथन सर्टिफाइड, एंड देन क्लाइंट को फेमिलैरिटी होगी, हाँ यार मैं इस कंसल्टेंट को ट्रस्ट कर सकता हूँ. पर इन द वर्ल्ड ऑफ टेक इंडस्ट्री आपके रिक्रूटर आपको तब ट्रस्ट करते हैं जब आपके पास एक्सपर्टीज हो, बाय शोइंग एक्सपीरियंस प्रोजेक्ट्स. आपकी पोर्टफोलियो से ज़्यादा आपकी एक्सपर्टीज दिखती है एज कम्पेयर टू जस्ट अ पीस ऑफ सर्टिफिकेट. सो दैट्स वाई इस कारण आपको सर्टिफिकेट के ऊपर भागने की जरूरत नहीं है. नाउ लेट्स कम बैक टू द कोर्स. जितने भी आप कोर्स देखोगे उनमें क्या कमी है? द राइट आंसर इज दैट दे आर नॉट क्रिएटिंग क्रिएटिव माइंड्स. अब इसके लिए आपको मैं डायरेक्ट आंसर ये दूंगा कि अगर आपको कोई कोर्स 3 प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए कहता है, विच कुड बी ब्लॉगिंग वेबसाइट, कोई भी प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं, पर उन प्रोजेक्ट्स के साथ आपको उसको माइक्रो प्रोजेक्ट्स में डिवाइड करने के बाद आपसे नए प्रोजेक्ट्स नहीं बनवाता है, आपको नए प्रोजेक्ट्स बनवाने के बाद वही प्रोजेक्ट्स के आंसर नहीं दिखाता है, एंड दे फ्रीज योर माइंड इन ओनली 3 or 4 प्रोजेक्ट्स एंड गिव यू ओनली 3 or 4 सॉल्यूशंस इन ओनली 3 or 4 वेज, तो आपका माइंड एक ही डायरेक्शन में रिस्ट्रिक्ट हो रहा है. You are in a wall where एक ही solution, एक ही problem है, then एक ही solution, एक ही problem, एक ही solution, एक ही problem. But if you divide those problems into sub-problems, smaller and smaller projects, अगर उस smaller and smaller projects से आप कोई भी घर create कर पाओ, कोई भी project create कर पाओ, that will be the best project making course I can think of. और मैंने अभी इतने ज़्यादा देखे नहीं हैं. और अगर आपको भी प्रोजेक्ट्स के बारे में सोचना है, देन आई थिंक द राइट आंसर इज, जैसे हरकीरत ने अपनी वीडियो में बोला था, कि यू कैन रीच आउट टू पीपल एट योर ड्रीम इंडस्ट्री लाइक साइबर सिक्योरिटी इंजीनियरिंग या फिर एंड्रॉयड डेवलपमेंट. उनसे पूछो कि आप कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो. अगर आप स्पेसिफिक टीम को टारगेट कर रहे हो, यू कैन आस्क देम टू ब्रेक डाउन योर वर्क इन टू सिंपल प्रोजेक्ट, स्मॉलर प्रोजेक्ट्स, एंड देन यू कैन फिगर आउट कि हाँ दीज आर द प्रोजेक्ट्स आई शुड मेक टू गेट इन टू दैट रोल. तो आप अलग अलग प्रोजेक्ट्स को क्रिएटिवली सोचोगे, उन्हें बनाओगे, उन्हें सॉल्व करोगे. व्हेन यू मेक रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स इन रियल वर्ल्ड विद अ प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट, जिसके लिए हैकाथॉन्स आर वेरी वेरी यूजफुल. हमने भी हैकाथॉन, जो मैंने अपना कोर्स किया था उसमें मैंने हैकाथॉन इसी कारण प्रॉमिस किया था, बिकॉज माई गोल वॉज टू पुट यू इन द वर्ल्ड ऑफ पीपल विद सिमिलर माइंडसेट. एक कोट बहुत फेमस है, दैट यू आर ऑलवेज एवरेज ऑफ 5 पीपल इन योर फ्रेंड ग्रुप या फिर इन योर टीम. यू आर ऑलवेज एवरेज, आप शायद सबसे बेटर होगे या फिर अराउंड एवरेज होगे. पर अगर आप अपने आप को वो 5 दोस्त आपसे ज़्यादा कंपेटिटिव हो, उनके अराउंड सराउंड कर लेते हो फॉर हैकाथॉन प्रोजेक्ट, देन यू लर्न मोर एंड आप उनके जैसे बन जाते हो. सो दैट्स वाई हैकाथॉन्स आर वेरी हेल्पफुल. यू कैन ट्राई योर बेस्ट टू गो इन टू अ कंपेटिटिव टीम एंड ट्राई योर बेस्ट टू सराउंड योर सेल्फ विद कंपेटिटिव पीपल, एंड दैट वे यू कैन बी more in the world of problem solving. That will be the best course जो मैं भी बनाने की कभी ना कभी कोशिश करूँगा. बट मेरे लिए अभी सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट है जो बना रहे हैं, बिकॉज एफर्ट बहुत लगता है. तो मुझे लगता है कि एनर्जी ड्रेनिंग बहुत ज़्यादा हो जाता है, इस कारण आई हैवंट मेड दैट काइंड ऑफ कोर्स येट. बट हैकाथॉन के लिए आई विल बी बैक सून इफ़ यू वुड लाइक ऑन दिस चैनल, एंड अभी सून मैं हैकाथॉन एक और लॉन्च करूँगा अगर आप लोग कॉमेंट करोगे, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा हमने प्राइजेज, अराउंड 18 प्राइजेज वी गेव आउट इन द लास्ट हैकाथॉन, एंड मेनी स्टूडेंट्स फाउंड इट हेल्पफुल. सो दैट विल बी इट, एंड दैट विल बी द गैप इन टेक कोर्सेज एंड टेक इंडस्ट्री. आप क्या चूज करोगे, गेटिंग इन टू एड टेक या फिर टेक इंडस्ट्री? बिकॉज मुझे, मैंने अभी लास्ट हरकीरत की वीडियो देखी थी, आई टोटली एग्री कि वेन यू आर इन टेक इंडस्ट्री आपकी ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा होती है. काफ़ी देर बाद आपको लगता है दैट यू आर सेटलिंग डाउन, पर इन टर्म्स ऑफ एड टेक आपने एक दो तीन बड़े कोर्सेज लॉन्च कर लिए, वो काफ़ी रिपेटिटिव हो जाता है. तो इस कारण मुझे सेटिस्फैक्शन पर्सनली इतनी नहीं मिलती कोर्सेज बना के, जितना एक बड़ी प्रॉब्लम इन द वर्ल्ड ऑफ टेक करने के बाद मिलती है. So that will be it. Thank you so much for watching, and I'll see you guys in the next one. Goodbye.